मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। किस केस में फंस कर सलमान का करियर लग गया था दांव पर? किसे ऑफर हुआ था फीमेल लीड का रोल? फिल्म में कौन सी हीरोइन ले सकती हैं नीर जारा की जगह? मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। ये लाइन्स ही इसे बोलने वाले एक्टर की पहचान है। जी हाँ, ये लाइन्स है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की बेस्ट मूवी तेरे नाम की। ये फिल्म सलमान के लिए काफी मायने में स्पेशल है। इस फिल्म को सलमान के करियर की सबसे अच्छी फिल्म समझ जाता है और फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। साल 2003 में जब फिल्म तेरे नाम रिलीज हुई थी तो सलमान के करियर में भी एक उछाल देखने को मिला। एक वक्त था जब सलमान अपने करियर में सफलता का स्वाद चख रहे थे, तभी बॉलीवुड के सल्लू भाई से एक ऐसी भूल हुई जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं और इस गलती की वजह से सलमान का पूरा चमकता करियर दांव पर लग गया था। दरअसल बात है 1998 ईयर थी जब सलमान फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। अपने शूटिंग से एक टाइम निकालकर सलमान सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रा, नीलम और तब्बू जोधपुर के जंगल में शिकार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दो काले हिरण को मार दिया। ये केस कोर्ट तक पहुंच जा चुका और सलमान के करियर का एक ब्लैक स्पॉट है। ये केस काफी सालों तक चला जिसका इफेक्ट उनके करियर पर ही होने लगा। गौर करें तो साल 1999 से लेकर 2002 तक सलमान की कोई भी मूवी हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद ही फिल्म तेरे नाम रिलीज हुई। साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भाईजान के करियर को एक टर्निंग पॉइंट दिया, पर अब भी सलमान खान के सर ये बल उतर नहीं पाई है। फिल्म की ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी इस केस की वजह से सलमान को एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। फिल्म के लिए सलमान की मेहनत और उनका लगन साफ देखने को मिलता है और फिल्म में सलमान के साथ भूमिका चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आई थी। पर क्या आपको पता है कि फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद भूमिका नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, फिल्म के ऑफर सबसे पहले उस वक्त की फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल को मिला था। उस वक्त अमीषा की डेट्स ना मिल पाने की वजह से फिल्म में भूमिका चावला को लिया गया और भूमिका ने अपने भोलेपन से नीर जरा के कैरेक्टर में जान भर दी। दोस्तों, फिल्म के इतने साल बाद भी उनके इस आइकॉनिक फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही हैं फैंस और इस फिल्म को हर किसी ने पसंद किया था। बीते कुछ वक्त से मेकर्स फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई अपडेट दे रहे हैं। जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया था कि फिल्म की कहानी रेडी है, इंतजार है तो बस सलमान खान का। तो अब वही फिल्म के सीक्वल में फीमेल लीड के रोल कैसे दिए जाएंगे, ये बात सुर्खियों में बनी हुई है और सोर्सेज की माने तो फिल्म में सलमान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को जनता खूब पसंद करती है। तो क्या कैटरीना फिट बैठेंगी नीर जारा के रोल में? इस पर अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग राज स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहे, सेफ रहे, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग राज स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए हमारे साथ।